देखो बड़े भैया ओवर रिएक्ट ज्यादा करते हैं, मगर दिल के बहुत अच्छे हैं। बड़े भैया, बड़े भैया, भाभी, ढिंका चिका, ढिंका चिका, क्यों नहीं गया? आज संडे है, ढिंका चिका। ये अपना छोटू है। हाय हाय। भैया, सबसे पहले आपसे मिला रहा हूँ, आपकी बहू। तुम फंस गई हो क्या? हाँ। अरे ऐसे कैसे फंस सकती हो, हमेशा सब इससे ही फंसते हैं। फंसने से पहले देखा नहीं था, फिर मेरे पास ही चला आता है। बड़े भैया, इस कॉमेडी फेस को सीरियस मत कीजिए, अंदर जाके तो चाय ले आता हूँ ना। अरे लाइए ना, तो मुझे ऑर्डर देता रहता है। तुम, तुम्हारे दोस्त, फिर लवर, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे, खा जाओ मुझे, सब खा जाओ। परेशान कर रखा है इसने। सत्यानाश हो तेरा। बहुत ओवर रिएक्ट कर रहा है। हे भगवान, छोटू, छोटू, हे छोटू, एम्बुलेंस को फोन करो। अरे एम्बुलेंस को फोन करो, गाड़ी रोको। सर क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ सर, इट्स एन इमरजेंसी। रुक जाते उसे मेरी गाड़ी में बिठाओ, एम्बुलेंस समझाएगा। ए चल निकल, गुंडा कर दी करो। ए चल निकल, बुला ना। हां निकल रहा हूं ना। चल, हां चलता हूं, थोड़ा इससे उठाता हूं ना। ए जानते हो ये कौन है? एमएलए है ये। ए चुप, चलो कोई तो है, इसे चुप करा सकता है। मैं एमएलए हूं, क्यों बताया? ज्यादा दान करवाने के लिए। एमएलए गोवर्धन जी, देखिए इस वक्त पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ट्रीटमेंट के लिए कम से कम 6 लाख लगेंगे। आप फौरन पैसों का इंतजाम कीजिए। 6 लाख कहाँ से लाऊंगा मैं? भैया ट्रीटमेंट शुरू हो गई, आप फिक्र मत कीजिए। 6 लाख कह रहा है, छोटू नहीं बचेगा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मैं हूं ना यहाँ पर, आप रुकिए। ए ऑटो, गहरी चोट लगे एक बच्चे को एमएलए साहब ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, वो बच्चा अभी आईसीयू में है। इससे बताया एमएलए साहब बाहर आ रहे हैं, कैमरा उन पर फोकस करो। एमएलए मतलब लोगों ने तो मजाक बना के रखा। अब ये कार कहाँ गई? एमएलए साहब की तरफ करो। कार भी मार के ले गया वो। डॉक्टर रुको। सर मेरी कार कहाँ गई? मुझे नहीं पता। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो डॉक्टर से बड़े गुस्से में बात कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को कुछ भी हुआ तो चुप नहीं बैठेंगे और काम से निकालने की वार्निंग दे रहे हैं। जैसा कि आपने देखा, एमएलए साहब इस बारे में बहुत ज्यादा इमोशनल लग रहे हैं। मेरे सबर का बांध टूटता जा रहा है। वो बच्चा इनका क्या लगता है, बेटा या फिर भांजा? आगे की जानकारी के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। ओवर टू स्टूडियो। मैं अभी आता हूँ। अरे इतने पैसे कहाँ से लाए तू? वीजा के लिए पापा ने दिए थे। डॉक्टर, डरने की कोई बात नहीं, ही इज आउट ऑफ डेंजर। बड़े भैया, छोटू ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। अरे भैया क्या हुआ? बेटा मुझे माफ कर दो। क्या, ये क्या कह रहा है? मुझे लगा था कि तुम हमारे साथ रहकर हमारा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन सिर्फ बेटा कहने पर तुम हमारे परिवार को बचाओगे ये नहीं सोचा था। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। अरे बड़े भैया, बड़े भैया कहाँ भी इमोशनल हो रहे हैं। ओह माय गॉड, बड़े भैया आप मेरे बड़े भैया, वो मेरे बेटे जैसे, हमारे लिए परिवार जैसे हैं भैया। अरे लकी, बाहर जाके देख क्या ड्रामा चल रहा है। क्या हुआ? वो क्या लगता है, वो क्या लगता है, क्या पता मुझे? नहीं पता, कहीं पर एक्सीडेंट हुआ था, मैंने उसे उठाया, कार में डाला और वहाँ से अस्पताल लेकर आया, बस इतना ही पता है मुझे। अब तक हम उस बच्चे को उनका बेटा समझ बैठे थे, लेकिन उससे कोई भी रिश्ता ना होते हुए भी हमारे एमएलए गोवर्धन जी उस बच्चे को अपने बेटे जैसे ट्रीट कर रहे हैं। ऐसे दयावान नेता जी की एमएलए साहब ने बचाई एक नन्हे बच्चे की जान। तुम लोगों ने ये समझा? सर इस बात पर रोशनी डालेंगे सर, प्लीज सर। वो मैं एक सामाजिक फर्ज के मुताबिक अन्ना हजारे का शिष्य मानकर। छोटे भाई क्या कहा? मीडिया को मैंने नहीं बुलाया भाई, लेकिन मीडिया को तुम्हारी और मेरी कहानी को लेकर कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। चाहो तो मैं सच बोल सकता हूँ। तुम रुको, मैं बताता हूँ। वो बच्चा जिंदा है एमएलए साहब की वजह से। अच्छा, अगर ये सही वक्त पर नहीं आते तो हमारा छोटू हमारे बीच ना होता। ऐसे एमएलए के राज्य में पैदा हुआ हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। इन्हें तो और भी बड़ी पोजीशन में होना चाहिए, ऐसे मंत्री हमें और चाहिए। एमएलए गोवर्धन जी ने उस बच्चे की जान बचाकर एक बहुत बड़ा उदाहरण रखा है। हमारे राज्य में ऐसे ही मंत्री चाहिए, ये सभी दिग्गज नेताओं का कहना है। राज्य के सभी नेतागणों को इन्हें देखकर खुद में सुधार लाना चाहिए, ऐसा जनता का कहना है। बाबा बाबा, सब चैनल्स में आपके बारे में बता रहे हैं। सुनिए जी, आप तो पॉपुलर हो गए हैं। अगर मैं इतना पॉपुलर लीडर हुआ हूँ तो ये सब क्रेडिट मेरे भाई को जाता है। आपकी मदद करना मेरा फर्ज। सर हाई कमांड से फोन है सर। कहाँ से? हाई कमांड से। हाई कमांड।
जनता में काफी मशहूर हो चुके एमएलए साहब को पार्टी हाईकमान ने मंत्री पद सौंपने की घोषणा की है और पार्टी ने माधव शिवा रेड्डी को एमएलए टिकट देने का भी फैसला किया है। राजा, ओह माय गॉड, तुम्हारी ही वजह से मुझे मंत्री पद मिल गया है। उस दिन सारा क्रेडिट तुमने मुझे दे दिया था जिसने पूरे राज्य में मुझे पॉपुलर कर दिया। आप मजे कीजिए सर। मेरे भाई, तुम्हें कोई भी परेशानी आए तो पहला फोन मुझे ही करना। ऑफ कोर्स। और अगर कनेक्ट नहीं हुआ तो आप मुझसे कनेक्ट हो गए सर। पापा, मेरी ख्वाहिश पूरी होने वाली है पापा। पॉलिटिक्स में कदम रख रहे हो, संभल कर चलना शिवा। ओके पापा। बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी? तुम्हारे एसी भी का ना ये भाई सामने। ओह माय गॉड, हम तो उड़ चुके। आपका भाई है सर। छोड़, हमेशा क्या बजना, जाने दे। उसके साथ में लड़की भी है सर। साथ में लड़की है? हाँ सर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सर आपको बुला रहे हैं, चलिए। लकी, नाम क्या है? हाँ? नाम बोल। ओ, लकी। लकी, लड़की कौन है तुम्हारे साथ? मेरी गर्लफ्रेंड है, बड़ी मुश्किल से पटाई है। अच्छा, गर्लफ्रेंड? तुम कहाँ से आ रहे हो? मंदिर जाकर भजन करके वापस आ रहा हूँ। साथ लाए हो क्या? तू खाएगा क्या? खुशबू आ रही है। तुम इसे कब से जानती हो? 2-3 महीने से जानती हूँ। वो तो लग ही रहा है, तभी तो इतनी रात को इसके साथ घूम रही हो। वैसे देखने में तो ये चोर लगता है। आपको गलतफहमी हुई है सर। ओहो, रेप करने वाले बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं, पता है? कल को अगर तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो पुलिस क्या सो रही थी, कुछ कमी ने लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं। हेलो, हमें छोड़ने के लिए क्या लेंगे? रेस्पेक्ट। ड्रंक एंड ड्राइव केस, रेस्पेक्ट दूंगा ना सर। कभी अकेले में मिलिए ना, बहुत रिस्पेक्ट दूंगा। अच्छा बता, काम क्या करता है तू? मैं वो इंजीनियर। और रहता कहाँ पर है? मेरा एड्रेस वो मजबूरी है सर, इसका यूएस जाने का ड्रीम था, मेरे लिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। बाप रे। हाँ। वीजा नहीं मिला तो रुक गया तुम्हारे लिए है। लकी, बढ़िया मैनेज करता है। वैसे अभी काम क्या करता है तू? बेरोजगार हूँ सर। बेरोजगार? बेरोजगार है तो पैसा कहाँ से आता है? तेरे पापा बहुत पैसे वाले हैं। रिटायर्ड ऑफिसर। इनकम? वो मेरे एक बड़े भैया भी है सर। ओहो, तो भैया की मेहनत के पैसों से तू इसके साथ? एक्सक्यूज मी सर, हम किसी के भी पैसों से ऐश करें, आपको क्या? आप दे रहे हैं क्या पैसे? ओह, आप इनके भैया के बारे में नहीं जानते? वो भी आपकी तरह पुलिस ऑफिसर है। रियली? हाँ, लेकिन थोड़े से मेंटल है। ओह माय गॉड, मेंटल? हाँ, मेंटल। मेंटल? कितना बोलती हो तुम? अरे तुम चुप करो, अपने मेंटल भैया को फोन करो। हाँ? फोन करो अपने मेंटल भैया को। शट अप, शट अप। तुम्हारा नाम क्या है? अपनी फैमिली डिटेल्स बताओ। मेरी फैमिली के बारे में क्यों जी, लकी के बारे में पूछे ना, मेरे घर पे अभी हमारे बारे में पता नहीं है ना। हेलो, परेशान क्यों कर रहा है तू? ए, लॉकअप में डाल लेना। सर कितना फाइन चाहिए बता दीजिए ना, हम देकर चले जाएंगे, हम स्टूडेंट्स हैं सर। स्टूडेंट? वर्मा सर, मुझे कंप्लीट डिटेल्स चाहिए इस लड़की की। ओ हेलो, क्या है, केस क्या है? हम दोनों ओवर 21 है, लाइसेंस है, ऊपर से मैंने लिमिट में पी रखी है, अगर चाहते हो तो चेक कर सकते हो। पता चला लड़की साथ में तेरे, इसलिए छोड़ा। ओ अच्छा। क्रिमिनल्स को पकड़ो। सर जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर। अब मैं क्या? थोड़ा सा जोर से बोलेंगे प्लीज, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
आजकल तुम्हारे बिहेवियर में बहुत चेंजेस नजर आ रहे हैं। मतलब टाइम पर ठीक तरह से खाती नहीं हो, घर नहीं आती हो। मुझे एक छोटा सा डाउट है, कोई तो तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, कौन है वो? लकी है डैडी। मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, उसके अलावा मैं और किसी से शादी नहीं करूंगी। आपके मन में और कोई सवाल है डैडी? पूछने के लिए बचा ही क्या है, कुछ नहीं। वो दिखता कैसा है? दिखने में मेरी तरह डिग्निफाइड तो है ना? बकवास है। भाषा, भाषा कैसी है उसकी? डिसेंट तो लगती है ना? ए, कुत्ते के बच्चे, चल फुट यहाँ से। डैडी, मैं अपने दिल की बात कह चुकी हूँ, उसके बारे में आपको और कुछ भी जानना हो तो उसी से जान लीजिए। ठीक है, उसकी मेरी मीटिंग फिक्स करो। हेलो लकी, क्या कर रहे हो? मेरे डैडी तुमसे मिलना चाहते हैं। ओके, तुम जो भी कहते हो सही है लकी। एक घंटे बाद आपको ओल्ड सिटी के गोल्डन कैफे में मिलने को बुलाया है। ये क्या, अपॉइंटमेंट तो वो मुझसे लेगा? आप ही तो कहते हो ना, जिसका काम होता है उसे ही जाना चाहिए, वही तो फॉलो कर रही हूँ मैं। उसने तो आपको अपना ससुर जी मान लिया है, कंप्लेंट आपको है, इसलिए आपको मिलने जाना चाहिए। हो गई लव स्टोरी शुरू। ससुर जी, मैं ही हूँ लकी, आइए। ये छोटू, दो चाय ला रहे। ससुर जी आप बहुत लकी हैं, आइए ना। यहाँ का समोसा A1 है, आपके लिए ऑर्डर करूँ? एक्चुअली ये उस्मान बिस्किट बहुत फेमस है, आप ये ट्राई कीजिए। अरे रुको 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 रुको, क्या हुआ, ब्रश नहीं किया? इतने इम्पोर्टेंट डिस्कशन के लिए ये जगह चुनी है? क्यों ससुर जी, ये सुपर प्लेस है। क्या है ना, यहाँ हमारी आपस की बातें कोई नहीं सुनेगा। डेमो दिखाता हूँ। हेलो अली। मैंने हेलो बोला, वो हाउ आर यू का जवाब दे रहा है। ऐसी सुपर प्लेस कहाँ मिलेगी, तो बताइए कब का मुहूर्त निकालूं? मुहूर्त? कौन हो तुम? मेरी बेटी के पास 500 करोड़ की दौलत है, 10 बंगले हैं, 10 फैक्ट्री भी है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास आपकी बेटी है। ससुर जी, कल यहाँ मर्डर हुआ था, लगता है वही लोग आ गए। भागो भागो भागो। यहाँ पर ठीक है, हम सेफ है, बोलो। अरे मर्डर वाली जगह पे मीटिंग फिक्स की, टाइम ही खराब है, कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। ससुर जी यहाँ आइए, जल्दी बात खत्म कर लेते हैं। देखिए आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है और आपको ससुर जी बनाने। छोड़ना मत उसे, पकड़ो उसे, पकड़ो, वो देखो वहाँ है। ओह माय गॉड, ये यहाँ, तुम जानते हो इसे? ससुर जी ये सारे अटैक मुझ पर हो रहे हैं, ये मुझे मारना चाहते हैं। आज तुझे जिंदा नहीं जाने दूंगा लकी। मेरे साथ बताइए वरना ये आपको मार देंगे। अरे रुको, यहाँ से। हेलो एक्सक्यूज मी, उससे पहले इसे मारो। अरे बाप रे, ये कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़े? वो ना, आपकी बेटी से पहले उसकी बेटी के साथ मेरा अफेयर था, उसका और मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो हमारा ब्रेक ऑफ, लेकिन बाप पीछे पड़ गया। अगर पहले से ये अफेयर था तो मेरी बेटी को क्यों फंसा? ससुर जी आपको जवाब चाहिए, जान चाहिए, जान चाहिए। तो अभी झुकी झुकी है। ससुर जी आ जाइए, आ रहे, जल्दी कीजिए। वो कहाँ गया? वो कौन है मैं जानता ही नहीं। उसके बारे में जाने बिना उसके साथ भाग रहा था तू? मुझे लगा कि वो चोर है, इसलिए मैं भी उसका पीछा कर रहा था। बात मत करो बाबा, काट डालो। ए, मटन चिकन समझा जो काट डालेगा मुझे? मेरी बेटी उससे प्यार करने लगी है, उससे शादी करने की जिद कर रही है, इसलिए मिल लिया। ये तुम क्या कह रहे हो, सच में तुम्हारी बेटी उससे प्यार करती है? करती है ना। अरे चलो चलो, हथियार वापस ले लो। तुम्हारे जैसा बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कोई भी नहीं है।
इसे ढूंढने के लिए एक महीने से मैं पागल की तरह घूम रहा हूँ। इसलिए मेरी बेटी से पहले ये प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार तुम्हारी बेटी पर शिफ्ट कर दिया, इसीलिए मैं अपनी दुश्मनी तुम पर शिफ्ट करता हूँ। अब समझो मेरा बदला पूरा हुआ। ए, सारे हथियार अब इसको दे दो। ये लो रखो, ये हथियार तुम्हें दो तरह से काम में आएंगे, या तो तुम उसे मार डालो या फिर खुद आत्महत्या कर लो। इसलिए कि तुम उसकी हरकतों को अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ए, चलो रे, काम हो गया।